मुझे क्रमाचार तोड़ना होगा अगर वह स्त्री मुझे धोखा दे सकती है तो फिर किसी को भी धोखा दे सकती है मुझे अपनी धूल स्वयं सुधारनी होगी तैयारी कर लो मिस किलर मैं उस श्री को लेने जाने वाली हूँ उस रहस्यमयी खरीददार का कॉन्ट्रैक्ट चैनल ऑन कर लो पर सभी के अनुमानों को धता बताती हुई श्री यानी अप्सरा सबसे सुरक्षित स्थान पर जा पहुंची थी पाताल लोक अपने घर अरे देखो तो पाताल के नाग लोक के द्वार की तरफ भागती आती आकृति कहीं सम्रागिनी अप्सरा तो नहीं हाँ वही तो है पर उनके पीछे सतह के घातक यंत्र लगे हुए हैं पाताल के नाग लोग के प्रहरी सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से चुने जाते थे दोनों यंत्र धमाके के साथ नष्ट हो गए धन्यवाद प्रहारियों अभिवादन सम्राज्ञी आपका स्वागत है सम्राज्ञ को तुरंत महल पहुंचाना है सतह पर हमारे पाताल विष के कारण बड़ी विविधा आई है हमें उसको उप्च... हमें उसका उपचार तुरंत चाहिए यह तो सम्राट तोसी के लिए चुटकियों के काम है सम्राज्ञी परंतु वे तो किसी नागराज को मृत्यु देने के लिए सतह पर गए हुए हैं ओह नहीं उसी नागराज के लिए तो कहाँ हैं आप सम्राट सम्राट यहाँ हैं सम्राट तोसी की जय हो क्षमा करें हमें ज्ञात नहीं था कि आप पाताल पधार चुके हैं हमें सूचना मिल गई थी कि सम्राज्ञी पाताल लोक के रास्ते पर है इसलिए हम इनके स्वागत के लिए इनसे पहले आ गए पर लगता है सम्राज्ञी हमें देखकर प्रसन्न नहीं हुई ऐसा नहीं है सम्राट तोसी हम जरा चौक गए थे बस हमें अपने विष की काट चाहिए शीघ्र महल चाहिए जैसी आज्ञा सम्राज्ञी आइए परंतु नाग देश के नियम के अनुसार इस सुरक्षा दर्पण से अपना सुरक्षा पत्र लेने के बाद आइए सम्राज्ञी नागराज सम्राज्ञी इस मार्ग से कभी नहीं आती नाग मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जब मेरा पहला सामना महान नागराज से होगा तो महाशक्तिशाली नागराज छद्दम स्त्री रूप में बचने की चेष्टा करेगा यह सुरक्षा के लिए था तोसी तुम्हारी सुरक्षा के लिए ताकि मुझे लाशों पर चलकर पाताल में प्रवेश न करना पड़े मरने के बाद किसी को कुछ याद नहीं रहता और पाताल से तुम जीवित वापस तो जाने से रहे हमने तेरी शक्तियाँ पहले ही पता कर ली है नागराज यह सतह पर तुझे महाबलशाली बनाती होगी परंतु यह पाताल है यहाँ पर तेरे जैसे सांपों से खेल खेल कर हमारे बच्चे बड़े होते हैं प्राणों की आहुति न लेनी पड़े रक्त की नदियाँ न भरानी पड़े मुझे पाताल की काट दे दो और मैं भूल जाऊंगा कि मैं कभी यहाँ पर आया भी था तोसी के परों की प्रचंड हवा ने ध्वंसक सर्पों को नागराज की दिशा में ही वापस मोड़ दिया तू तो कुछ ही पलों के युद्ध में अधमरा हो गया नागराज इच्छादारी का प्रयोग तू कर ही नहीं पाता बस इन धार धार त्रण भालों पर गिर कर मरने से पहले इतना बता दे कि तू सतह पर अप्सरा की प्रतीक्षा क्यों कर रहा था अप्सरा से तूने क्या कहा वैसे अगर तू नहीं बताएगा तो भी चलेगा तेरे मरने के बाद मैं अप्सरा से पूछ लूँगा आह विचार अच्छा है पर उसके लिए तुमको जीवित रहना पड़ेगा पूरा पूरा पाताल लोक एक मिनी भूकंप से कांप उठा दूर स्थित विशाल भवन भी उठे ओह यह क्या था क्या नाग प्रदेश पर आक्रमण हुआ है लोक के पाताल द्वार पर तोसी और नागराज का सर्पद्वंद्व चल रहा है नागराज आपका चेहरा सफ़ेद क्यों गया जी टीन तुम सतक को नहीं तुम सतह के नहीं हो इसलिए सह गए वरना नागराज का नाम ही खून सुखा देने के लिए काफ़ी है मैं देखता हूँ कि वह चाहता क्या है नागराज इस तोती से नहीं रुकेगा मुझे जाना ही होगा तूने मेरे पर काटने की चेष्टा की अब तुझे कुचल कर लुकदी बना देगा तोसी कुचलना तो दूर की बात इच्छादारी तोसी पहले मुझ तक पहुँच कर दिखाओ यह सांप रोकेंगे मुझे अपने प्राण बचाने के लिए इनके आहूति क्यों दे रहा है मेरे पैरों के नीचे कुचल कर इनकी तो चटनी ओह यह क्या मेरे सर्पों ने भूमि को खोद कर दल दल बना दिया है अब बचने के लिए तुम पक्षी रूप में आओगे और मेरे धंसक सर तुम्हें भेज देंगे बोलो जान दोगे अपने विष की काट काट मिलेगी जरूर पर दो टुकड़ों में नागराज मेरे पेट में जाकर नागराज को तोसी से इस रूप परिवर्तन की उम्मीद नहीं थी पर इससे पहले कि वह अपना बचाव कर पाता सब कुछ जड़ चुका था मैंने सही क्षण पर पहुंचकर जड़ शक्ति के प्रयोग से स्थिति संभाल ली अन्यथा नागराज को काट कर तुम उसके दैवीय विष के प्रभाव से अपनी जीन योनी में जा भी नहीं पाते उफ पसीने छुड़ा दिए इसने मरे मेरे यह तो अच्छा हुआ कि आपने असावधान स्थिति में वार करके इसको बंदी बना लिया अन्यथा तभी तो नाग बाबा भी समाधि में परंतु नाग बाबा अचानक समाधि में क्यों चले गए कुछ बताया नहीं पर काफ़ी परेशान लगे मुझे मुझे शक है कि नागराज अकेला नहीं आया है मुझे टनी की सुरक्षा देखनी होगी नागराज को इसी जड़ अवस्था में माया दर्पण में बंदी बना लो इसको पता ही नहीं चल पाएगा कि यह बंदी है नागराज जीए के जड़ वार का शिकार हो गया था पर महानगर में तोसी का कहर बरसना जारी था तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते नागो इससे युद्ध करना विनाशकारी होगा जो नागदीप को लीलने वाली सुनामी ला सकता है उसको कम नहीं आंकना चाहिए हमें इस आब आब आबादी से धूल ले जाना होगा आबादी से पंचनागो हमें नागराज के लिए और मुसीबत नहीं खड़ी कर सकते आबादी से दूर यहाँ पर एक ही जगह है यह मेट्रो रेल पर संभल कर इसकी तीसरी पटरी में तीव्र विघुत प्रवाह है आई जरा पहले नहीं बता सकते थे मेरा बाण कवच अभी तक हमको अब आम लोगों की नज़रों से छुपा कर रखे हुए पर अब यह पर अब यह कभी भी टूट सकता है यह धमाका कैसा था पता नहीं अजीब बात है अप्सरा का पता बता दो और जिस वाहन पर चाहो सवार होकर सुरक्षित चले जाओ अन्यथा यम के भैंसे पर सवार होना पड़ेगा तुम तो भविष्य देख सकते हो तौसी, अद्भुत फिर तो इसका भी पता होगा कि तुमको भैंसा भी आता ही होगा लो बगल वाली पटरी आ गई है वाहन नागदेव इसको बगल से गुजरने देना और फिर पंचनाग एक दूसरे के इशारों को भल्ल भाती समझते थे और बिना बोले योजनाएं बन जाती थी किर तीसरी पटरी में विघुत के इतने भयंकर झटके झेल रहा है पर कब तक सहेगा शीघ्र ही यह अचेत हो जाएगा और हम इसको बंदी बना लेंगे तोसी कमज़ोर पड़ रहा था और नागार्जुन यह मौका चूकने वाला ही नहीं था बस एक और सर्प माण इसकी चेतना को हर लेगा ऐसी बचकानी शक्तियों से रोकोगे मुझे तोसी को पष्ट शक्ति धारक है तोसी और इनमें से हर शक्ति तुम्हारे जैसे सौ नागों का सामना करने की शक्ति रखती है देखना चाहोगे कैसे नागदेव तो देखो त्रिध्वज पहले यह मात्र तीन रूपधारी त्रिध्वज था पर अब इसने अपने प्रतिद्वंदी का रूप धरने की शक्ति है पंच नागों को युद्ध का तो लंबा अनुभव था पर स्वयं से युद्ध का अनुभव शून्य था बाजी पलट रही थी पर नागार्जुन ने कमान संभाल ली हुई थी मेरे बाण इसको इस त्रिशक्ति से अलग कर देंगे फिर तुम इनसे आसानी से निपट सकोगे आह मैं ब्रह्मास्त्रधारी हूँ परंतु तेरे बाणों जैसा पेनापन मैंने कभी अनुभव नहीं किया प्रशंसा करनी होगी तेरी पर तेरी बाण वर्षा को रोकना भी होगा अन्यथा मेरी शक्ति से मेरा संपर्क टूट जाएगा वक्रधज और नागार्जुन के बाणों और तोसी के बीच में एक अवरोध खड़ा आ खड़ा हुआ अरे यह तो मेरे महास्त्रों को भी गाजर मूली की तरह काट रहा है यही इनकी शक्ति है यह यह कौन बोला अदृश्य ध्वज जो तुम्हारे अदृश्य बाण कवच के पार देख सकता है पर स्वयं नहीं देख दिख सकता निशाना न दिखे तो नागार्जुन भी क्या करे बाजी पलट रही थी पंचनाग ये नई शक्तियाँ समझ नहीं शक्तियां पा रहे थे मेट्रो ट्रेन की छत खाली हो रही थी और पटरी भी भर रही थी छूटने की छत पटाहा बेकार है यह मेरी प्राप्त शक्ति चुंबक ध्वज की जकड़ है पहले से कई गुना शक्तिशाली अब तुम्हारे पास मात्र वाहन के यहाँ आने तक का समय है फिर यमराज के बहसे पर तुम पांचों कैसे बैठोगे या तुम जानो मात्र अप्सरा का पता तुमको प्राण देना प्राण दान दे सकता है शीघ्र निर्णय लो अन्यथा मृत्यु निश्चित है मृत्यु सो सभी की निश्चित है तुम्हारी मृत्यु का समय मैं निश्चित करूँगी अब तुम कौन हो राजकुमारी विसर्पी आप यहाँ क्यों आई तुम सबको आदेश देने के लिए उठो तोड़ो यह बंधन पंचनाग हो तुम अरे यह तो सचमुच बंधन मुक्त होने की चेष्टा करने लगे तुम्हारा आदेश मेरी चुंबक ध्वज शक्ति को चुनौती दे रहा है पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा ट्रैक की एक पटरी उखाड़ कर विसर्पी के चारों तरफ सर्प कुंडली की तरह लिपटने लगी तेरा आदेश सर्पों पर चलता होगा पर यह लोहबंद सर्प नहीं अब इससे पहले कि तू अपने आदेश से चुंबक ध्वज की शक्ति की ओर छीन करे मैं तेरी चेतना छीन लूँगा विषर्पी की चेतना छीनना तुम जैसे बच्चों के वश की बात नहीं है पाताल नाग पर तू एक सर्प है और पृथ्वी पर जितने सर्प हैं सभी इस नाग दंड के आदेश मानने को विवश है तू भी वश में आ मेरे विषर्पी के राज राजदंड का तोसी के मस्तक से स्पर्श हुआ और तोसी जड़ हो गया इसके जड़ होने के साथ साथ इसकी शक्तियाँ भी लुप्त हो गई समाप्त हुआ इस पाताल नाग का आतंक अब हम इस पर नाग द्वीप के विनाश की सुनवाई करेंगे पूरे नाग द्वीप की सम्मिलित सभा के समक्ष यह काम करता है वह मैंने देख लिया पर तोसी के हाथों तो इनका हिसाब यहीं क्यों नहीं करवा दिया क्योंकि यह जहां तोसी को लेकर जा रहे हैं वहां पर इच्छाधारी शक्ति का भंडार है वही चाहिए मुझे अब बस एक ही डर है उस अप्सरा का यह आप क्या कर रही हैं क्या यह सच है क्या कह रही हैं क्या यह सच है जी मैं एक न्यूज़ चैनल चलाती हूँ किसी को भी यह नहीं पता कि आप यहाँ पर हैं और आपके वे, वेश में कोई और आपके बदले अदालत की कार्रवाई में भाग ले रहा है मैं मैं हफ्तों बेहश रही जी पर हमें पूरा भरोसा है कि आप रूप लेने वाला बारुपया वापस आएगा ज़रूर यहीं हमारा आपसे अनुरोध है कि उसके पकड़े जाने तक इस राज को बनाए रखें हमारे साथ गुप्त रूप से रहें ठीक है मुझे भी जान का ख़तरा हो सकता है मुझे सुरक्षित स्थान चाहिए मतलब महानगर को भी सुरक्षित रहना है और मुझे भी आग धक चुकी है बारूद सच चुका है धमाका होना अवश्यम भावी है और जब विस्फोट होगा तो न जाने किस किस के चितड़े उड़ेंगे और न जाने कितने रहस्यों के पर्ते खुलेगी, शुरू हो चुका है विनाशकारी सर्प यज्ञ।